आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हरे चने की निमोनी की रेसिपी, जो बहुत ही मसालेदार और चटपटी होती है। काले चने की सब्ज़ी, काबली चने की सब्ज़ी और हरे मटर का निमोना वगैरह तो हमने कई बार बना के खाया है। आज हम हरे चने का बहुत ही टेस्टी मसालेदार रेसिपी बनाएंगे। आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये आपको और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हरे चने की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम हरा चना छील के ले लिया है। हम इसे ग्राइंडर जार में डाल करके इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमने चने को बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और सबसे पहले इसमें हम कटे हुए आलूओं को फ्राई करेंगे। आलूओं को हमने बड़े और मोटे टुकड़ों में काट के लिया है। इसे हमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। निमोनी की सब्ज़ी में आलू जो है बड़े टुकड़ों में ही काट के डाला जाता है। तो आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है, तो निकाल लेंगे इसे हम कढ़ाई से और उसी ऑयल में हम चने को भून के तैयार कर लेंगे। तो चने को हमने बिल्कुल दरदरा पीसा है। बहुत फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना है, वरना सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो चने को हमें बढ़िया दानेदार होने तक अच्छे से भून लेना है। और हमने थोड़ा सा ये साबुत चना बचा के रख लिया था, इसे भी हम साथ में डाल देंगे और भून लेंगे। साबुत जो चना होता है, इससे सब्ज़ी हमारी देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो अच्छी लगती ही है। तो चना भी हमारे यहाँ पर भून चुका है, इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो निकाल लेंगे इसे भी हम कढ़ाई से। तो आलू और चना दोनों फ्राई हो गए हैं। और वापस से कढ़ाई में हमने सरसों का तेल ले लिया है, तो इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा और 2 बड़ी इलायची को दरदरा कूट के ले लिया है। 1 चुटकी हींग ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है कुछ सेकंड तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर देंगे और कटी हुई हरी मिर्च हमने 2-3 काट के ले ली है, इसे भी ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं, लेकिन कट करके ऐड करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 बड़े साइज़ के प्याज को हमने चॉपर से चॉप कर लिया है, आप काट के भी ले सकते हैं। प्याज को हमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। तो प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, बढ़िया से भून चुकी है। तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो 2 टमाटर को हमने चॉपर से दरदरा चॉप कर लिया है, आप चाहे तो इसे काट के भी ले सकते हैं या फिर मिक्सर में पीस के भी ले सकते हैं। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अब इन सारे सूखे मसालों को हम प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे ढक करके 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मसालों के ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए और ये बढ़िया से भून के तैयार हो जाए। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसालों का कलर चेंज हो गया है, बढ़िया से भून चुकी हैं, ऊपर ऑयल भी आ गया है। तो एक बार इसे हम मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना फ्राई किया हुआ आलू और हरा चना। आलू और हरे चने को भी हम मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स करते हुए हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे भूनते हुए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे चने और आलू में चला जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है। आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी सब्ज़ी के लिए इतना पानी काफ़ी है, इसलिए मैंने 1 कप ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है और हरे धनिया की पत्ती भी डाल देंगे ऊपर से और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमारी पकी हुई हैं, मसाले भी भुने हैं, तो इन्हें बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो हमारा चटपटा मज़ेदार हरे चने के निमोने की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बिना किसी झंझट के मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो आप भी मेरे तरीके से हरे चने की सब्ज़ी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, अपने घर में सभी को खिलाइएगा, सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।